आज डिस्कस करेंगे कनेक्टिंग रोड के पार्ट्स के बारे में। कनेक्टिंग रोड किन किन पार्ट से बनी होती है और वो क्या काम करते हैं। तो कनेक्टिंग रोड हमारी इस तरह की होती है। ये कनेक्टिंग रोड एक तरफ से हमारी कनेक्ट होती है पिस्टन की पिन के साथ। पिस्टन पिन के साथ कनेक्ट होती है और एक तरफ ये कनेक्ट होती है क्रैंक के साथ। ये हमारा क्रैंक के साथ कनेक्ट होता है हिस्सा और ये हमारा पिस्टन पिन के साथ अटैच होता है। इस एंड को हम बोलते हैं स्मॉल एंड, छोटा एंड, क्योंकि ये स्मॉल है डायमीटर में। और इस इन दोनों को बोलते हैं हम बिगर एंड, बिगर एंड। इस रोड का ये है स्मॉलर एंड और ये दोनों है बिगर एंड। इसको आप रोड कैप भी बोल सकते हैं, जो नीचे वाला पार्ट है रोड कैप। कैप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसके साथ फिट होगा, तो एक तरह की कैप का काम करता है। इस बिगर एंड के अंदर यहाँ पे बियरिंग होते हैं, बियरिंग इंसर्ट डाले होते हैं इसके, बिल्कुल इससे अटैच होते हैं वो, इस रोड से अटैच होते हैं बिल्कुल यहाँ पे। इनको बोलते हैं बियरिंग इंसर्ट, बियरिंग इंसर्ट। ये बियरिंग क्या काम करते हैं? ये इनको इस कैप के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि जब ये क्रैंक के साथ हम इसको कनेक्ट करें तो ये बियरिंग इसको इजीली रोटेशन, स्मूथ रोटेशन प्रोवाइड करें। तो बियरिंग इंसर्ट इस कैप के अंदर डाले जाते हैं। और जो ये स्मॉलर एंड है यहाँ पे की जाती है बुशिंग, यहाँ पे की जाती है इसके अंदर बुशिंग, और यहाँ पे डाले जाते हैं बियरिंग के इंसर्ट ताकि एक्यूरेट और अच्छा मोशन हमें मिल सके, स्मूथ मोशन मिल सके। अब ये होते हैं बोल्ट और ये होता है नट। ये बोल्ट और नट क्या करते हैं? ये दोनों इस रोड कैप को इस कनेक्टिंग रोड के साथ अटैच करते हैं अच्छी तरह से, जब हम क्रैंक इसके अंदर डालते हैं और बियरिंग इंसर्ट भी इसके अंदर अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं। ये होता है, जो ये सेक्शन होता है ये आई बीम होता है, इसको हम आई बीम सेक्शन बोलते हैं। आई बीम सेक्शन क्या होता है? जो आई शेप का होता है, तो इसके अंदर ये आई बीम सेक्शन होता है। तो इसको हम जोड़ देते हैं और एक कनेक्टिंग रोड पूरी हमारी तैयार हो जाती है। इस तरफ से पिस्टन पिन के साथ अटैच हो जाती है, जिसको हम गुजन पिन भी बोलते हैं, गजन पिन। और यहाँ से क्रैंक के साथ अटैच हो जाती है, तो दोनों की मूवमेंट को ये ट्रांसफ़र करती है, जो पिस्टन की मूवमेंट है वो क्रैंक को देती है। तो ये कनेक्टिंग रोड काम करती है। तो ये थे कनेक्टिंग रोड के कुछ पार्ट्स और उसकी थोड़ी सी कुछ ओवरव्यू वर्किंग। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।